कोरोना वायरस से जुड़ी लगातार जो नेगेटिव खबरें हैं वो आप लगातार देख रहे हैं, और इसमें भी ऐसी कई खबरें हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली भी है, वो भी हम देख रहे हैं। इस सब के बीच राजस्थान संवाद आपके लिए लाया है एक बेहद सकारात्मक खबर, जिसे सुनकर आपको भारत की एकता पर एक बार फिर से दृढ़ यकीन होने लगेगा, दृढ़ निश्चय होने लगेगा। और वो खबर और कहीं की नहीं बल्कि हमारे जयपुर की है, राजस्थानी की राजधानी जयपुर की है। भट्टा बस्ती इलाके में एक व्यक्ति जिसका नाम राजेंद्र था, उनकी मृत्यु हुई और उनके आसपास कोई भी हिंदू परिवार नहीं था। राजेंद्र की मृत्यु हो गई लेकिन आसपास कोई भी हिंदू परिवार नहीं था, तो उसका अंतिम संस्कार आसपास के तमाम मुसलमान भाइयों ने किया। अर्थी को कांधा भी दिया और राम नाम सत्य है के नारे भी लगाए। और इससे पता चलता है कि हमारे देश की, हमारे जयपुर की गंगा जमनी तहजीब जो है वो आज भी यथार्थ है, और आज भी इंसानियत हर धर्म से ऊपर है। ये जयपुर के लोगों ने दिखा दिया है, बता दिया है। जब पूरी दुनिया कोरोना की बात कर रही है, कोरोना के प्रकोप की बात कर रही है, तमाम सारी खबरें नेगेटिव और नकारात्मक आ रही है, तब एक खबर ये निकल कर आई कि जयपुर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में एक राजेंद्र नामक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके आसपास कोई हिंदू परिवार नहीं होता, तब वहाँ के आसपास के सारे मुसलमान भाई उसकी अर्थी को कंधा भी देते हैं, राम नाम सत्य है कह के बोल भी बोलते हैं और उसका पूरा अंतिम संस्कार करते हैं। क्या ये बात हमारे देश की एकता बढ़ाने वाली नहीं है? ऐसी खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए राजस्थान संवाद, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। वही है मरने वाले का क्या नाम था? मरने वाले का नाम राजेंद्र बागरी था और ये लंबे समय से करीब कैंसर का मरीज था। और ये जो है बजरंग नगर है, हमारे यहाँ भट्टा बस्ती में बजरंग नगर, न्यू संजय नगर, यहाँ के रहने वाले थे। और इनके आस पड़ोस में इनके परिजन रिश्तेदार कोई थे नहीं, इसलिए आज ये हम सब ने मिल करके इनका जो है देह संस्कार के लिए बंदोबस्त किया और इनकी अंतिम संस्कार तक हमने इनका कार्यक्रम करने का पूरा सबने मिलकर, हमारी टीम ने, बस्ती वालों ने सबने मिलकर ये पूरा बंदोबस्त किया। और हमें बड़ा इस चीज़ से सुकून मिला कि आज जो हमारे देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में जो लोग लगे हुए हैं, हिंदू मुसलमान को लड़वाने में जो लगे हुए हैं, उनके मुंह पे ये तमाचा होगा, ऐसा हमें लगता है कि उनको इस चीज़ का एहसास होगा कि आज भी मतलब ऐसे काम हमारे देश में ऐसे लोग हैं, ऐसे काम करने वाले हैं जो जात पात नहीं देखते और जात पात से हटके मानवता और इंसानियत को देख के काम करते हैं। इनके परिजन वगैरह थे या नहीं थे? इनके घर में दो बच्चे थे, एक बीवी थी और बाकी इनके कोई रिश्तेदार वगैरह या और इनके समाज के यहाँ कोई लोग नहीं थे, टोटल मुस्लिम एरिया था ये। इनके अंतिम संस्कार का इंतजाम वगैरह किसने किया? सब बस्ती ने, हमारी टीम ने मिलकर, बस्ती ने मिलकर सारा आरती का और अंतिम संस्कार का सारा बंदोबस्त हमने मिलकर किया। Want a business promotion? Want something which can best explain your business, which should be easy and attractive to understand? I can easily do this all for you. A good explainer video can make everyone understand your product. Instead of feeding hefty documents to make someone understand your product, consumer prefers to understand it with a very simple, attractive and to the point explainer video. It will surely result in sales conversion by which your profit can really be multiplied. So if you want an explainer video or a spokesperson video for your business or any kind of promotional video, we are always just a call away.